ओम। हम सभी के श्रद्धा सम्मान के केंद्र श्रद्धेय महाशय जी, हमारे आर्य जगत के गौरव, समस्त सन्यासी वृंद, समस्त विद्वज्जन, सभी विभिन्न स्थानों से आए हुए सम्मानित प्रतिष्ठित उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। आज महाशय जी के हम अमृत महोत्सव पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं समस्त विद्वत समाज की ओर से, आगत अनागत सभी की ओर से, उनके स्वस्थ निरोगी मंगलमय जीवन के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं, स्वागत सम्मान और अभिनंदन करता हूं। परमात्मा से कामना और प्रार्थना करता हूं कि वे रोग शोक और चिंता से मुक्त रहें। तीन चीज़ें आयु को घटाती हैं, रोग शोक और चिंता, उनसे मुक्त रहते हुए जीवेम श्रद्धा शतम भूयस्य श्रद्धा शतात, लंबी आयु को प्राप्त करें। आज का दिन हम सबके लिए वास्तव में प्रेरणा दिवस भी है कि जिस प्रकार से महाशय जी ने अपने जीवन को शून्य से आरंभ करके शिखर पर पहुंचे, हम लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं कि उनके जीवन से किस प्रकार से उनका कर्मठता है, किस प्रकार से उनके जीवन में दान की भावना है। दुनिया में बहुत से लोगों के पास दिल होता है, दौलत नहीं होती है। किसी के पास दौलत होती है मगर दिल नहीं होता है। श्रद्धेय महाशय जी को परमात्मा ने ये बहुत बड़ा वरदान दिया है कि जिनके अंदर दिल भी है और दौलत भी है और जिस प्रकार के लंबी उम्र के पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, मैं तो यही एक प्रकार की प्रेरणा और संदेश देना चाहता हूं कि जिस हाल में लोग मरने की दुआ मांगते हैं, उस हाल में हमने मरने की जीने की कसम खाई है, उनसे हम बहुत कुछ जीवन की प्रेरणा ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त विद्वत समाज की ओर से उनका स्वागत सम्मान और अभिनंदन करता हूं। ओम शांति।